ये टू का रास्ता है, ये निकलेगा आपके पास वहाँ रविदास मंदिर के पास। ये रास्ता है रविदास मंदिर का, यहाँ से सीधे चले जाएंगे राफी। आइए चलते हैं। यहाँ से हम ये देखिए दाहिने घूम रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं जो मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। ये सीधा रास्ता जो है मंदिर की तरफ जाता है, तो बोलिए श्री चंद्रकेश्वर भगवान की जय। पेड़ के पास से हम मुड़ेंगे, इसके बाद आगे का रास्ता हम सफर करेंगे। मंदिर में माँ गंगा का किनारा और भगवान का दर्शन एक साथ करिए। भगवान भोलेनाथ सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ श्री तंगेश्वर महादेव का है। बनारस का आखिरी छोर कहा जाता है, काशी का आखिरी छोर इसे कहते हैं। इस मंदिर की पूरी विशेषता के बारे में हम जानेंगे जब मंदिर के अंदर चलेंगे। मंदिर की कुछ खास विशेषता कहा जाता है कि माँ गंगा यहीं से उत्तरवाहिनी हुई है, इसमें कितना सच है हम जानेंगे। मंदिर भी चल के पुजारी से, वहाँ के महंत से और लोगों से बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ मंदिर। यह है श्री टंगेश्वर मंदिर प्रांगण, जहाँ पर हरियाली देखते ही बन रही है और यहाँ पर प्राचीन वृक्ष है जो कहीं ना कहीं गर्मी में भी लोगों को छाया और शीतलता प्रदान करते हैं। ये है माँ गंगा का किनारा श्री टंगेश्वर मंदिर के प्रांगण में, और यहीं से कहा जाता है कि माँ गंगा जब काशी की तरफ जाती है तो वो उत्तरवाहिनी होती है, और यहीं से माँ उत्तरवाहिनी होकर काशी में प्रवेश करती है, और काशी में प्रवेश करने के साथ ही माँ गंगा चला। अरे अरे
त्रिशूल, टंकेश्वर, महादेव काशी के प्रमुख तीर्थों में से या प्रमुख मंदिरों में से एक हैं। प्रमुख तीर्थ काशी और काशी के प्रधान शूल टंकेश्वर महादेव। शूल टंकेश्वर महादेव की कथा इस प्रकार से है कि जब काशी बसनी थी उसी समय दिवोदास के अधीन काशी हुआ करता रहा। भगवान शिव, अम्बा पार्वती दोनों जब काशी को भ्रमण के लिए आए, काशी भ्रमण के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने काशी देख करके जो है बहुत प्रसन्नता महसूस किया और काशी में ही वास करने के लिए सोचा। भगवान ब्रह्मा से उन्होंने काशी हमें प्राप्त हो जाए ऐसा जो है वो यत्न करने के लिए कहा। दिवोदास काशी छोड़ने को तैयार नहीं, और ये लोग उस समय काशी में शूल टंकेश्वर महादेव जो हैं उस समय वहीं पर वास किया करते रहे। बाद में फिर बहुत सी घटनाएं घटी। भगवान ब्रह्मा ने पहले तो मनाने की कोशिश किया, नहीं माने तो युद्ध हुआ, फिर काशी दिवोदास से खाली हुई और काशी को समर्पित किया भगवान शिव को। भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी, चूँकि सबसे प्रथम भगवान शिव ने काशी बसने के पूर्व वहाँ वास किया था, तो वहाँ पर वास करने के कारण से माँ गंगा उनके चरण स्पर्श करने के लिए वहाँ पर आई, और फिर काशी क्षेत्र में जितना उन्होंने भ्रमण किया गंगा के तट पर, उतने स्थान से ही भगवान शिव के आदेशानुसार माँ गंगा जो है उत्तर वाहिनी हुई है। सालों से आ रहे हैं और हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, बाबा दरबार में आने के बाद ही सब मुराद पूरी हो जाती है। इतना आस्था, इतना भाव लेकर मैं आती हूँ। शहर से आप इतना दूर आती हैं, क्या ऐसा आस्था है, क्या ऐसा भाव है जो आपको इतना दूर खींच के लाता है? बहुत बड़ी भाव है भाई, यहाँ आने का कोई कम भाव नहीं है, बहुत बड़ी भाव है। और वो भाव आस्था लेकर आदमी आवे तो ज़रूर इसकी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने किस तरह का अनुभव किया? मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना। और मैं अपने घर से लेके, बाहर से लेके, मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है। और हमें ये लगता है कि बाबा के दरबार में आने के बाद सब अच्छा रहेगा। पहले आती थी, अब आ रही, क्या बदलाव देख रही है मंदिर? बहुत सारा बदलाव हो गया है, अब तो बहुत अच्छा जगह बन गया है। यहाँ लोग आके अपना टाइम बिताते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। Yeah.
प्यारे YouTube फैमिली, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इससे अच्छा और जल्द से जल्द वीडियो ला के दे सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव।